आप लोग देख सकते हो हम ऑडी चाय वाले के अंदर, यहाँ पे ऑडी के अंदर बैठे और भाई का पैशन है कि इनका क्या पैशन है, बेसिकली आपको फिल्म स्टार बनना था ना सर? बिल्कुल। और बट कुछ ना कुछ तो लाइफ में कुछ अलग करना था, तो इन्होंने देखो ऑडी के अंदर, अब यहाँ से ऑडी से आते हैं चाय बेचने के लिए। और ये दोनों दोस्त लोग हैं, दोस्त है भाई है आप दोनों? भाई जैसे ही दोस्त है। हम दोनों का कॉन्सेप्ट है ये। रात को हमने बैठ के एक दिन घूम रहे थे रात को, तो बेसिकली हमको चाय नहीं मिल रही थी, ये वाला टेस्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने अमित को बोला कि यार क्यों ना चाय बेच लेते अपन यहाँ पे, वो पंजाब हरियाणा वाला टेस्ट नहीं मिल रहा। तो अमित ने आके जवाब दिया, चाय तो बेचेंगे पर क्रिएटिव तरीके से बेचेंगे कुछ। तो फिर आपने ऑडी में चालू कर दी। हाँ, अमित बोला कि ऑडी में चाय बेचते हैं, तो हमने ऑडी गड़िया ऑडी में चाय बेचेंगे, थोड़ा यूनिक करेंगे जो आज तक पहले हिंदुस्तान में हुआ ना हो वो करके दिखाएंगे। तो चलिए हमारे बॉम्बे की पब्लिक को आप चाय पिलाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। मैं हाल ही ऑडी चाय वाली काफी फेमस हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो हमें ऑडी के पास ही, और ऑडी चाय वाले से मिलने वाले। तो ये देख लो अंदर भैया बैठे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपकी चाय के चर्चे तो पूरे मुंबई में है, तो हमें भी चाय पिलाएंगे। बिल्कुल सर, आइए आपको चाय। तो चलिए, और आपका नाम भैया? अमित कश्यप पंजाब। आपका नाम? मनु शर्मा। तो ये दोनों दोस्त हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों वाली चाय, तो चलिए आज टीम बॉम्बे फूडी टेस्ट के साथ आपको हम पिलाएंगे ऑडी वाली चाय। बेसिकली है कैसे, 70 लाख की गाड़ी में आके चाय पी रहे, इनकी स्टोरी जानेंगे और इनकी चाय भी पियेंगे हम। तो ये देख लो पूरा गाड़ी के अंदर ही ऑडी के अंदर सेटअप रखते हैं, और इनके पास देखो पूरा ब्रांडिंग का सेटअप रखा है इन्होंने। देखो इनके स्टॉल का नाम रखा है ODT ऑन ड्राइव टी, टी कॉफी बूस्ट। तीन चीजें मिलता है, बूस्ट तो बहुत कम मिलता है, चलो अच्छा है आपने टी कॉफी बूस्ट दे दिया। इनका नाम है ODT। तो चलिए हमें भी टी पिलाइए, मुंबई की एकदम आपकी 70 लाख की गाड़ी वाले से देखते क्या चाय है, क्या दिमाग लगाया आपने। और देखो ऑडी के ऊपर, मतलब आप लोग भी दे सकते हो भाई साहब, ऐसी ब्रांडेड गाड़ी पे हमने बैनर लगा के चाय बेचेंगे, मजा है ना? मतलब बिजनेसमैन बनना है ना, सब कुछ ना कुछ करना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, उसके लिए कुछ ना कुछ रोड साइड पे आके आपको करना पड़ेगा। अगर आप रोड साइड पे आके नहीं कर सकते, तो आपके अंदर और कोई कला है तो आप उसको दिखाइए, पर कुछ ना कुछ करिए जरूर घर से निकल के। हाँ, तो आप बॉम्बे के रहने वाले या कहीं और के? मैं सर पंजाब के मलेरकोटला शहर का रहने वाला हूँ। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, और दिन में मैं मतलब बाय एजुकेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, और यहाँ एक्टर बनने के लिए आया हूँ, और दिन में मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं अफ्रीका में जॉब करता था एज ए सेल्स, तो अभी वो जॉब छोड़ के मैं यहाँ पे आया। आप एम तो ऑडी के साथ साथ एक NRI चाय वाला भी लगा दो, बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमें भी चाय पिलाइए, आपको हम स्टोरी जानेंगे सर की। और ये आपने अमित जैसे भाई, आपने जैसे बताया कि आपको एक्टर बनने का था, तो आपने ये ट्राई नहीं किया क्या मुंबई में? कर रहे हैं सर, चल रहा है हमारा काम। आप दोनों को एक्टर बनना है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अरे वाह, जरूर बनेंगे आप। मुझे 3 महीने ही हुए मुंबई आए हुए, और 3 महीने में मतलब 2 महीने इस काम को हो गए। सो ये देख लो अभी हमारी चाय बनना तैयार हो गई है। चाय तो बहुत सारी फेमस है, मैंने सुना है एक बात ये भी कहा जाता है कि मोदी जी चाय बेचते हैं तो आज PM बन गए, तो आप बहुत बड़े अभिनेता बनेंगे, इतना मुझे फुल कॉन्फिडेंट है आप पे। जरूर बनेंगे भाई, भगवान का आशीर्वाद साथ है, आपका आपका साथ है, भगवान का आशीर्वाद हमारा साथ, मुंबई की पूरी पब्लिक, बॉम्बे की पूरी पब्लिक आपके साथ है, बहुत प्यार कर रहे हैं आपने। एक्चुअली हमको स्टार पहले ही बना दिया है। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं हमारे पास, मतलब इतना मजा आ रहा है काम करने में, सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा लोगों का, और इतनी मतलब सराहना करेंगे लोग, और उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है भाई। चलो सर, आपका तो समझ में आया। आप सर मुझे एक बात बताइए, आप तो हरियाणा से हैं सर अमित भाई? मैं पंजाब से हूं। हाँ, पंजाब से, मतलब नॉर्थ से। आप हरियाणा से? जी, जी। आप अभी मुझे हाल ही में बताया कि आप पहले मुंबई के इंडिया के बाहर थे। जी जी, अफ्रीका में, गाम्बिया में था मैं। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों में आप अफ्रीका की जॉब छोड़ के भैया के साथ हैं? ऐसा है सर, लोग बोलते हैं दूसरों के महल से अपनी झोपड़ी अच्छी है, सही बोलते हैं। तो वही चीज मेरे को करना था सर, कुछ अलग करना था ना। तो ये देख लो दूध में भी इलायची, मतलब मसालेदार चाय बनाने वाले, मेरे को लगता है चाय की खुशबू जो आने वाली इलायची की स्मेल से मुझे लग रहा है चाय एकदम काफी स्वादिष्ट और काफी यमी यमी होने वाली है, काफी टेस्टी होने वाली है। भाई बना रहे, अगर किसी को है ना भाई के साथ मूवी में लेना हो तो ले लो, ये बैठे दोनों भाई लोग तैयार हैं। आप तैयार हो? आ जाओ, खुला ऑडिशन देख सकते हो इस मूवी में ही, देख सकते हो भाई किस तरह से कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं। तो मूवी तो आ जाओ, जितने भी डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे। और चाय की रेसिपी किसने सिखाई है? ये सर हमारा सीक्रेट है, थोड़ा सा हम दोनों ने 1 महीना घर पे मेहनत करके पूरे दोस्तों को बुला के तब ये जाके कहीं टेस्ट आया सर। दोस्तों को सब एक्सपेरिमेंट करा लिया ना? एक्सपेरिमेंट करवा के 1 महीना लोगों को फ्री में हमने चाय पिलाई है, और लास्ट में जाके ये टेस्ट निकल के आया। रात को 2 बजे उठ के बनाया कि नहीं यार ये टेस्ट रखेंगे, पर टेस्ट आपका बढ़िया है। हम कल रात को वही सबसे पहले पीके गया था ना मैं, इसलिए तो दोबारा आया हूँ मैं, बोला अपनी ऑडियंस को भी दिखाना है मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
और हमारे ऐसे कस्टमर हैं सर जो एक बार आ रहे हैं ना, वो अपनी फैमिली को भी लेकर आ रहे हैं, अपने दोस्तों को भी लेकर आ रहे हैं, मतलब उनको इतनी चाय पसंद आ रही है कि सीरियसली वो कह रहे हैं कि हमको बस ये चाय की रेसिपी बता दो कैसे बनेगी, और या तो तुम यहाँ से मुंबई से जाना मत, ये मुँह के लग गया हमारे स्वाद, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मैं भी बोलूंगा क्योंकि मैंने कल शाम को भी चाय पिया था, आपकी मजा आ गया चाय पी के। जी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे ओडीटी पे। धन्यवाद सर। जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं चाय का टेस्ट कैसा है, मतलब पब्लिक भी आके इतना पसंद कर रही है ना, तो जिसको भी पिला रहे हैं वो मतलब बखूबी तारीफ कर रहे हैं, और बखूबी कह रहे हैं भाई जैसी तुम्हारी लग्जरी गाड़ी है वैसी लग्जरी चाय है तुम्हारी। और मैंने एक दो वीडियो में ये भी देखा है कि जिसको चाय पी के ऑडी में बैठना वो भी है, सच बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, बिल्कुल आप अपनी मिनी मीटिंग इसमें कर सकते हैं, हमारा मिनी कैफे है ये। हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, हमारा भी एक मतलब शौक था कि ऑडी ले, ऑडी ली हमने, और बहुत लोगों का एक मतलब एक सपना होता है कि ऑडी में बैठना है यार, या लग्जरी गाड़ी में बैठना है, तो हम वो सपना भी पूरा करते हैं। अरे वाह, अगर आपको अपना सपना भी पूरा करना है तो आ जाओ ओडीटी लोखंड वाला, जब जस्ट इधर लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स सर्कल के पास ही है भैया लगाएंगे। टाइमिंग क्या है? फ्रॉम 6 से 11। ये चाय तैयार हो गई है भाई, है ना, छानना चालू कर दिया, देखते कितना यमी हो, कितना स्वादिष्ट चाय हो जाएगी। इन्होंने स्टॉल अभी लगाया और आप लोग देख सकते हो क्राउड लगना चालू हो गई है, मतलब देख रहे हो सबसे बढ़िया क्राउड लगना चालू हो गई है। ये देख लो हमारी चाय तैयार हो गई और दोनों भाई लोगों ने तैयार कर दी है चाय, और हम भी ट्राई करके देखेंगे है क्या चाय आखिर। और ये इनका स्टॉल है, बेसिकली ऑडी है, आप लोग भी देख सकते हो, अगर आपको चाहिए अगर भरोसा नहीं तो यहाँ से आगे सिंगल भी देख लो एक बार ऑडी का, आप लोग देख रहे हो मैं ऑडी में हूँ ना, वहाँ से दिखाना प्लीज हमारे ऑडियंस को, वहीं से ऑडी के सिंबल के साथ आ जाओ। तो ये देख सकते हो 70 लाख की गाड़ी में बैठ के चाय पीने का अलग ही मजा है। कहते हैं ना मुंबई में हर कोई आता है अपना एक सपना पूरा करने के लिए, ये दोनों भाई लोग आए अपना सपना पूरा करने, एक्टर बनने के लिए लाइफ में, बट कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी जरूर करेंगे, तो हमने भी ये चाय ट्राई करने के लिए आ गए यहाँ पे। ऐसी चाय पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलेगी, लिख के देता हूँ लिख के। ये चाय ट्राई करनी है तो आपको आना पड़ेगा अंधेरी लोकल वाला में, अगर आप चाय लो तो फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को फॉलो करो, मोदी जी से इंस्पिरेशन मिल रहा है समझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।